हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस वेबा से। और वन प्लस सेवन और वन प्लस सेवन प्रो के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं पिछले एक महीने से वन प्लस सेवन को एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस वन प्लस सेवन के साथ। सो टू द पॉइंट बात करते हैं, यानी कि एक महीने का एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओवरऑल इज़ ग्रेट, लेकिन किंतु परंतु थोड़ी सी गड़बड़ है। नंबर वन, जब भी आप इसमें नेटफ्लिक्स पिक्चर इन पिक्चर वाले ऑप्शन में देखोगे और व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो स्क्रीन थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है, मतलब फ़ोन को अनलॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नंबर टू, जो नॉच है उसको डिसेबल करने का ऑप्शन है, लेकिन आप जैसे उसे डिसेबल करते हो तो देर आर फ्यू एप्लीकेशन जो कि थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करती है और जो ऑप्टिमाइज नहीं है। तो हो भी सकता है कि यार एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है या नॉच के डिसेबल करने वाले ऑप्शन में कुछ है, लेकिन इसको आप इग्नोर कर सकते हो। नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है रिव्यू यूनिट में कुछ दिक्कत हो, लेकिन मुझे बहुत बारी फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि 4G वाला जो मेरा नेटवर्क है वो ठीक से काम कर पाए। तो ये काफ़ी मेजर था। एंड नंबर चार, जो कि थोड़ी स्मॉल सी बात है, वो है कि जिसकी कैमरा में 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन है, वो उसका जो स्टेबलाइजेशन है ना वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब तो क्वालिटी भी इतनी ठीक ठाक सी आती है और फोटोज़ जो है ना थोड़े शेकी से आते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल वन मंथ का एक्सपीरियंस। अब हर एक पॉइंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। अक्सर सब बोलते हैं कि फ़ोन थोड़े टाइम के बाद ना स्लो होने लगता है या लैग होने लगता है। वन प्लस सेवन में आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं मिलेगी। शुरुआत में ऐसी परफॉर्मेंस है, वैसे यार अभी भी है। गेमिंग की बात करें, जितना गेम खेलना है खेल लो, कोई परेशानी नहीं होगी। 4000 mAh की बैटरी है साथ में, तो बैटरी बैकअप उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में मिलता है 30W का फास्ट चार्जर। तो चार्जिंग तो ऐसे होती है कि यार फ़ोन लगाया चार्जिंग पे और हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 10 मिनट में 30% के आसपास चार्ज कर देता है। लंबे गेमिंग सेशन में ऑफकोर्स फ़ोन थोड़ा गर्म होता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप ओवरऑल गेमिंग के लिए फ़ोन देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप इस फ़ोन को ले सकते हो। और अभी अभी अगर दिमाग में क्वेश्चन आया है कि K20 Pro ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस वाइज या फिर ये, तो YouTube के कार्ड में आपको उसके गेमिंग रिव्यू की, एक घंटे का गेमिंग रिव्यू है, देखना, उसके लिंक मिल जाएगी और आपको पता हो जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिज़ाइन काफ़ी सब्जेक्टिव है। वन प्लस सेवन का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, 6G जैसे ये पीछे एक ग्लास बैक पैन है। और मैं आपको बता दूँ कि इस फ़ोन को यूज़ करने का जो सही मज़ा है वो बिना कवर के है। बिना कवर के इसको यूज़ करना और जो इसकी इन हैंड फील है, ओ माई माई। एंड यस, यहीं आपको इसका डुअल कैमरा भी मिलेगा, जो कि थोड़ा सा बम्प है और इसको फ्लैट सर्फेस पर रखने पर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। फ्रंट में आपको नॉच डिस्प्ले मिलेगा और इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और 3.5 mm जैक नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो यार ये काफ़ी सही है। आपको हार्ड सनलाइट में बहुत थोड़ी सी परेशानी होगी, बट ये मैक्सिमम फोन्स में रहता है। इसके अलावा डिस्प्ले के ऑप्शंस की बात कर लें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिस्प्ले की सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एडेप्टिव ब्राइटनेस, स्लिप मोड, नाइट मोड, रीडिंग मोड, स्क्रीन कैलिब्रेशन, वीडियो एनहांसमेंट का भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। वीडियो इन्हांस हो जाता है इससे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये डेमो आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये इन्हांस करता है। जो कलर्स वगैरह हैं वो थोड़े से और पंची हो जाते हैं। नॉच डिस्प्ले यानी कि नॉच को एबल डिसेबल करने का ऑप्शन है। फिर एप्स टू डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, ये भी एक ऑप्शन है। फॉन्ट वॉन्ट के और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हैं। ओवरऑल डिस्प्ले यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कलर, शार्पनेस सब कुछ मिलेगा। जैसा मैंने बताया, इसमें डुअल कैमरा है 48+5 MP का, और जो 5 MP वाला है वो डेप्थ सेंसर है, तो पोर्ट्रेट शॉट अच्छे आएंगे। आपको 2 से 10x तक डिजिटल जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी कैमरा क्वालिटी डिसेंट है। कैमरा यूआई जैसा होता है वैसा ही है, आपको सारे मोड्स मिल जाएंगे। और जो मुझे इसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन लगा वो यह है कि आप वन प्लस सेवन में जो कैमरा मोड्स हैं उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मोड को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स में आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको कस्टम मोड का मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक मोड आपको दिखेगा, वीडियो मोड, फोटो मोड, प्रो मोड और बाकी के सारे। वीडियो और फोटो मोड को आप हटा ही सकते हैं, लेकिन इसे प्रो मोड के आगे यहाँ पर मैंने इसको माइनस करूँगा, इसको भी मैं माइनस करूँगा, इसको भी करूँगा, ऐसे इसको भी करूँगा। तो जिनको मैं माइनस करता जाऊँगा वो सारे यहाँ से हट जाएंगे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप जब कैमरा ऐप में जाएंगे यहाँ पर UI में, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये केवल मुझे ये 3 मोड दिखा रहा है, उसके अलावा जो मैंने वहाँ से हटाए थे वो चले गए हैं यहाँ से। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल अच्छी है, लग गया तो एक बार आप भी देख लो।
इतना सब बता दिया तो आई होप अब आपने गैस कर लिया होगा कि वन प्लस सेवन को आप आराम से ले सकते हो, ऑफकोर्स बजट है तो। इसकी जो प्राइस है वो है 32,999 सिक्स जी बी वाले वेरिएंट के लिए, और जो 8 GB वाला है उसकी प्राइस है 37,999। जो मैंने रिव्यू किया है वो 8 GB वाला वेरिएंट था। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।